क्या आपने कभी ये सोचा है कि बड़ी बड़ी शिप्स में शौचालय, नहाने, कपड़े धोने और सिंक की वजह से जो वेस्ट वाटर इकट्ठा होता है उसे कहाँ फेंका जाता है? क्या इसे पहले स्टोर भी किया जाता है या फिर समुद्र में ही चलने दिया जाता है? चलिए जानते हैं। देखिए, शिप्स में आमतौर पर वेस्ट वाटर को दो कैटेगरीज में बांटा जाता है, सीवेज और ग्रे वाटर। सीवेज में ह्यूमन वेस्ट वाला पानी होता है, वहीं ग्रे वाटर में सोप, डिटर्जेंट, फूड पार्टिकल्स और ग्रीस का पानी होता है। इसलिए इन्हें स्टोर करने के लिए भी दो अलग अलग टैंक्स होते हैं जिन्हें आखिर में समुद्र में ही खाली किया जाता है। हालांकि सीवेज वाटर को समुद्र में छोड़ने के कई रूल्स होते हैं, जैसे इसे समुद्र में तभी छोड़ा जा सकता है जब जहाज तट से करीब 5.5 किलोमीटर दूर हो, क्योंकि इसमें मौजूद हानिकारक पदार्थ मानव जीवन को खतरे में डाल सकते हैं। वहीं ग्रे वाटर को समुद्र में छोड़ने का कोई रूल नहीं होता, क्योंकि इसमें हार्मफुल सब्सटेंस नहीं होते।